हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ चैप्टर 2 यानी कि पॉलीनोमियल्स का वन शॉट वीडियो, और पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। साथ में हम बात करेंगे इसके एडवांस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, ये पॉलीनोमियल होता क्या है? पॉलीनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों हों। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जब भी आप पॉलीनोमियल की डेफिनेशन ढूंढोगे ना बुक में, आपको ये मिलेगा। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो वो पॉलीनोमियल होता है। लेकिन इससे आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि पॉलीनोमियल क्या होता है। ये फॉर्मेट है, जब भी किसी एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो ये पॉलीनोमियल होता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं। इसे मैंने बहुत सिंपल वे में लिख रखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। एक बात समझ में आई कि हमें पढ़ना है पॉलीनोमियल वन वेरिएबल का। तो वन वेरिएबल का एक ऐसा एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इज हैविंग द होल नंबर एज पावर। इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से कहा है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, यानी x है तो x चलेगा, y है तो y चलेगा, u है तो u चलेगा, दो साथ एक साथ दो दो वेरिएबल नहीं चाहिए, और उसके ऊपर पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नो नेगेटिव पावर, नो फ्रैक्शन, नो रूट, बस इतनी सी कहानी है पॉलीनोमियल्स की। पॉलीनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक टाइम पे एक वेरिएबल होगा और पावर इनमें से कुछ होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगी, तो वो पॉलीनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हर एक टर्म में ध्यान से देखिए कि क्या पावर है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे पॉलीनोमियल की क्या पावर है, 2 मैक्सिमम पावर है। तो हम कहेंगे इट्स अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये डिग्री क्या चीज़ होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो ये पॉलीनोमियल है, ये पॉलीनोमियल है 2 डिग्री की। यहाँ पे देखिए x प्लस वन, इसमें मैक्सिमम पावर क्या नजर आ रही है, 1, तो ये पॉलीनोमियल है डिग्री 1 की। एग्जाम्पल है u क्यूब प्लस 2 यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 2, यहाँ पे मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है, वेरिएबल यहाँ u है। इट यस इट इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3, मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कुछ एग्जाम्पल, और आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/x। 1/x का मतलब x के ऊपर क्या पावर हो गई, -1। इट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल, क्योंकि पॉलीनोमियल में वेरिएबल के ऊपर क्या पावर चलती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस यही, नेगेटिव पावर नहीं हो सकती, इट्स नॉट अ पॉलीनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन है √x + 3, इसमें x की पावर रूट है, रूट यानी हाफ पावर, तो हाफ पावर भी नहीं होनी चाहिए, रूट इट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल। x की पावर -1, नेगेटिव पावर भी नहीं होनी चाहिए, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीनोमियल। फोर्थ है एक्स पावर 4 + x + 1, यहाँ पे पावर क्या है, 4 है, 4 तो एक होल नंबर है ना, इट इज़ अ पॉलीनोमियल। यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर में टर्म आ गया है, ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। क्या ये एक पॉलीनोमियल है, ये तो एक कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एक्स ही नहीं है, तो अगर कोई एक्स नहीं है तो हम उसको क्या समझ सकते हैं कि उसमें एक्स की पावर 0 है। तो यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 0। जब कोई एक्स वाई वेरिएबल नहीं होता है ना, तो हम कहते हैं यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 0, यानी पावर 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है पॉलीनोमियल में, नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं चाहिए। तो ये है कहानी पॉलीनोमियल्स की। पॉलीनोमियल के टाइप, पॉलीनोमियल को हम लोग 2 बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, पहले टर्म्स के बेसिस पे। अगर किसी पॉलीनोमियल में एक ही टर्म है उसे मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म है उसे बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म्स हैं उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ये है टर्म्स के बेसिस पे पॉलीनोमियल्स के टाइप्स। फिर पॉलीनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया जाता है। तो डिग्री के बेसिस पे आपको बहुत अच्छे से समझना है। डिग्री के बेसिस में पहला टाइप है लीनियर पॉलीनोमियल। एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं, डिग्री 1। तो लीनियर पॉलीनोमियल हैज़ 1 डिग्री, एंड उसका फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax + b। कोई भी लीनियर पॉलीनोमियल किस टाइप का होता है, ax + b, यानी x एक ही हो सकता है, a और b बदलते रह सकते हैं। तो लीनियर पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax + b। टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c, वेयर a शुड नॉट बी 0। ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, कोई 0 भी हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए।
और पॉलीनोमियल का थर्ड टाइप क्या है? क्यूबिक पॉलीनोमियल। अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल फिलहाल सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक पॉलीनोमियल बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में है, तो बहुत अच्छे से हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स को स्टडी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 का रिवीजन, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। तो आगे है पॉलीनोमियल का जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। जल्दी से क्विक रिवीजन देखते हैं, आपने क्या पढ़ा था जीरो ऑफ पॉलीनोमियल के बारे में। पॉलीनोमियल का जीरो क्या होता है? पॉलीनोमियल का जीरो x की वो वैल्यू होती है जो पॉलीनोमियल में पुट की जाए और पूरा पॉलीनोमियल जीरो बन जाए। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलीनोमियल px बिकम जीरो। x की वो वैल्यू जो पॉलीनोमियल में रखी जाए और पॉलीनोमियल ही जीरो बन जाए, उसे क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द पॉलीनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। इसमें x की क्या वैल्यू रखें जो जिससे पूरा पॉलीनोमियल जीरो हो जाए? x की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो 1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। आपने क्लास 9 में पढ़ा था जीरो ऑफ पॉलीनोमियल निकालने के तरीके। आपने कैसे पढ़ा था? सपोज कोई लीनियर पॉलीनोमियल है, आप कैसे जीरो निकालते थे, याद है? सिर्फ पॉलीनोमियल के जीरो निकालने के लिए उसको जीरो के इक्वल करते थे, यानी कि पूरे पॉलीनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वल बना देते थे और फिर एक्स निकाल लेते थे। तो 2x इज इक्वल टू -3, यानी कि एक्स इक्वल टू -3/2। तो इस पॉलीनोमियल का जीरो क्या आ गया? -3/2। और क्लास 9th में लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सबके जीरोस आपने निकाले थे, फाइंड किए थे। तो ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सा हमें पढ़ना है इसके ज्योमेट्री के बारे में। ये जीरो ऑफ पॉलीनोमियल आपने निकाल तो लिए, आपने फाइंड तो कर लिए, बट बेसिकली जीरो ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब होता क्या है? जीरो ऑफ पॉलीनोमियल को अगर हम ज्योमेट्रिकली समझना चाहें तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी पॉलीनोमियल के कितने जीरोस होंगे और जीरो होंगे भी कि नहीं, इसके लिए अगर हम पॉलीनोमियल का ग्राफ खींचे, अगर हम पॉलीनोमियल का ग्राफ खींचें और ये नोटिस करें कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि देख सकते हैं ये ग्राफ 1, 2, 3, 4 फोर टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? फोर जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? फोर जीरोस होंगे। फोर डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए फोर डिफरेंट जीरोस होंगे। बस यही है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल की ज्योमेट्रिकल स्टोरी। पॉलीनोमियल का ग्राफ बनाइए और चेक करिए कि वो एक्सेसेस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। और मज़ेदार बात ये है कि हमें पॉलीनोमियल का ग्राफ बनाना ही नहीं है, वो पॉलीनोमियल का ग्राफ आपको पहले से बना के देंगे और आपको बस इतना देखना है कि कितनी बार इंटरसेक्शन हो रहा है और उतने ही जीरोस होंगे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप बनाओगे कैसे। तो अब किस पॉलीनोमियल में कितने जीरो होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। लीनियर पॉलीनोमियल, मैंने कहा था इसका फॉर्मेट होता है ax + b। अगर लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ बनाया जाए तो हमेशा एक लाइन मिलती है और वो एक्सिस को सिर्फ एक बार ही इंटरसेक्ट कर सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। तो लीनियर पॉलीनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं? 1 जीरो हो सकते हैं, सिर्फ एक ही जीरो लीनियर पॉलीनोमियल में हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो हमें जो कर्व मिलता है उसको क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। पैराबोला इज अ यू शेप्ड कर्व। तो ये सब पैराबोलास बने हुए हैं। पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, यानी कि सीधा यू भी हो सकता है, और डाउनवर्ड भी हो सकता है, यानी उल्टा यू हो सकता है। कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ये ग्राफ एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? तो एक कंडीशन हो सकती है कि जब वो दो बार काटे, दो बार इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे? 2 जीरोस। जितनी बार इंटरसेक्शन हो रहा है उतने ही तो जीरोस होते हैं, तो दिस पॉलीनोमियल हैज 2 जीरोस। एक सिचुएशन हो सकती है जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्सिस को सिर्फ एक बार ही काटे, तो हम कहेंगे 1 जीरोस, यानी एक्चुअली इसके जो दोनों जीरोस होंगे ना वो सेम होंगे, क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो दूसरा जीरो होगा वो भी यही होगा, सेम होगा। और एक सिचुएशन हो सकती है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो पैराबोला है, ग्राफ है, वो एक्सिस को काटे ही नहीं, तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे? 9 जीरोस। इसका कोई जीरो नहीं है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं और मिनिमम 1 भी जीरो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन वो MCQs में दे सकते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो मैक्सिमम 0, 2 एंड मिनिमम 0, 0। ठीक, तो ये बात हुई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की। और हमें क्या समझ में आया, हम किस कंक्लूजन में पहुंचे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के 2 जीरोस होंगे, एक को हम कहेंगे अल्फा और दूसरे को हम कहेंगे बीटा। तो पॉलीनोमियल के आगे की कहानी के मेन कैरेक्टर ये अल्फा और बीटा ही हैं। बस ये अल्फा बीटा के बारे में ही पढ़ना है। तो ये अल्फा बीटा क्या है? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस हैं। तो देखिए दो बातें समझ में आई, ए बी सी इंपॉर्टेंट है,
और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो जीरोस होते हैं अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा इन ए बी सी से रिलेटेड होते हैं, अल्फा बीटा और ए बी सी में एक रिलेशनशिप होता है, बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशियंट ऑफ एक्स मतलब बी, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए। यानी मैं सीधे कह दूं तो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, पॉलिनोमियल का फार्मूला। यानी कि अगर वो हमसे बोल दें कि एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं, बताओ वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग पूरी एक एक्सरसाइज जो है 2.2 करने वाले हैं। तो ये हैं आपके मेन फॉर्मूले। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ए क्या है यहाँ पे, बी, सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मिडिल टर्म यहाँ पे लिख लीजिए, राइट हियर मिडिल टर्म -3, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो, ए 1 × -10 इज -10, तो यहाँ पे लिखिए आप -10। अब दो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम -3 आ रहा हो और जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -10 आ रहा हो। जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो आप समझ जाना कि एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो -10 आएगा, अगर हम -5 और +2 को मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाएगा, लेकिन इनका सम फिर -3 भी होना चाहिए। तो यस, अगर -5 में हम 3 + 2 कितना हो जाता है -3, यानी कि सम -3 आ रहा है और प्रोडक्ट -10 आ रहा है, नहीं दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से नंबर, -5 और 2। तो अब हम अपने पॉलीनोमियल को 0 के इक्वल कर लेंगे। पहले 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेटिंग द पॉलीनोमियल टू 0। अभी हमें वो नंबर समझ आ गए हैं, पॉलीनोमियल को 0 के इक्वल करते हैं, फिर आपने वो नंबर सोच लिए हैं, नंबर्स हैं -5 और +2। तो -3x को तुम लिखोगे -5x + 2x -10 = 0। अब पेयर बनाएंगे, जैसे चार टर्म्स हो जाए पेयर बनाएंगे, एक एक पेयर से जो कॉमन है लेंगे, कोई रूल नहीं है क्या ही लेना है, जो भी कॉमन है वो लेना है। तो यहाँ पे भी x × x² यहाँ पे 5 × x, तो लेट्स टेक आउट x, तो यहाँ पे 1x बचेगा माइनस, यहाँ पे 5 बचेगा प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, x − 5 = 0। x − 5 ओवरऑल कॉमन, तो x + 2 = 0। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल करना है, फिर तो x = 5 मिल जाएगा, ये आपका पहला 0 अल्फा मिल चुका है, व्हाट इज अल्फा, 5। सेकंड फैक्टर को तो आपको x की वैल्यू -2 मिलेगी, दिस इज़ योर बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों मिल चुके हैं। अब क्या करते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप। के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है नेगेटिव b बाई ए, हमें ये अपने जो अल्फ़ा बीटा मिला उसमें ये चीज़ वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा अपन का मिला है 5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, व्हाट्स योर b, अपॉन ए 5, अच्छा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3/1 ही होगा, तो 3 = 3, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाई, रिलेशन जो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। सेकेंड रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इज 5, बीटा इज -2, सी इज एंड ए इज 5 × -2 - 10, -10 = -10, तो ये भी वेरीफाई हो गया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वेरीफाई ना हो, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी आपने कुछ गड़बड़ की होगी तभी वेरीफाई नहीं होगा, या तो अल्फा बीटा रॉन्ग निकले होंगे या वेरीफाई हम सही तरीके से नहीं करे होंगे, यही हो सकता है, अदरवाइज ये रिलेशनशिप हमेशा सही आती है। पर नेक्स्ट पॉलीनोमियल बच्चों, हमें यहाँ पे भी क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, अल्फा बीटा फाइंड करना है, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ए इज 1, बी इज 2√2, सी इज -6। फॉर जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, द पॉलीनोमियल इक्वेटिंग टू जीरो
एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस सिक्स इक्व टू जीरो। आप ध्यान से सुनिए, वही जो हम लोग हमेशा करते हैं। मिडिल टर्म क्या है बच्चों, टू रूट टू है मिडिल टर्म, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो, ए को सी से क्या आएगा माइनस सिक्स, यहाँ पे लिखेंगे माइनस सिक्स। दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम आ रहा है टू रूट टू और जिनका प्रोडक्ट आ रहा है माइनस सिक्स, माइनस रूट टू। अब अगर हम थ्री रूट टू एक नंबर ले लें प्लस में और उसमें ऐड कर दें एक रूट टू, रूट टू मतलब वन रूट टू, तो थ्री बार रूट टू में एक बार रूट टू अगर ऐड होता है तो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या चाहिए प्लस। तो एक नंबर पॉजिटिव हुआ एक नंबर नेगेटिव, तो अगर थ्री रूट टू प्लस में लें और ये वाला रूट टू माइनस मिले, तो हमने लिए हैं नंबर्स प्लस का थ्री रूट टू और माइनस का रूट टू। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो थ्री रूट टू माइनस वन रूट टू कितना आएगा, देखिए मैं ऐसे समझाती हूँ, थ्री एक्स माइनस वन एक्स क्या होता है टू एक्स होता है। अब थ्री टाइम्स रूट टू प्लस, यानी कि यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, तीन बार रूट टू में से एक बार रूट टू हट गया, दो रो रूट टू बचेगा, ठीक है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स अलजेब्रा में आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू रूट टू आ जाएगा, वो भी प्लस का। कैसे प्लस का आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है, थ्री रूट टू बड़ा है उसको, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगेगा, और रूट टू नेगेटिव है लेकिन वो तो छोटा है, तो थ्री रूट टू प्लस का और माइनस रूट टू दोनों नंबर्स हैं वो अपन के, जो अपन को सोचना है। लेकिन एक बात और देख लेते हैं कि क्या इनका प्रोडक्ट माइनस सिक्स आ रहा है। दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने पे टू रूट टू आए, तो पहला नंबर तुमने क्या सोचा है थ्री रूट टू और दूसरा माइनस रूट टू, ठीक है। अब नाउ लेट्स वेरीफाई कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आता है कि नहीं, देख लेते हैं। थ्री रूट टू को मल्टीप्लाई करना है माइनस रूट टू से, तो रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है टू, ये हम पहले भी डिस्कस किए थे, तो टू इंटू थ्री और ये माइनस वन। तो यस हमें नंबर समझ आ गए हैं, थ्री रूट टू प्लस का और माइनस रूट टू, ठीक है। थोड़ा सा इतना इजी नहीं है रूट वाले नंबर्स को सोचना, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे दो चार नंबर तो समझ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसको स्प्लिट कर दिया है कॉमन है, लेट्स टेक आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस थ्री रूट टू, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। लेकिन ध्यान से अब यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, सिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग सिक्स को थ्री रूट टू इंटू रूट टू कर सकते हैं, अभी वही तो करके मल्टीप्लाई करके सिक्स आया था, तो हम सिक्स का मतलब समझेंगे कि थ्री रूट टू इंटू रूट टू, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में सिक्स आता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि अब मुझे बताइए दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का रूट टू कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सिक्स के पास भी एक रूट टू है और यहाँ तो रूट टू है ही, माइनस का रूट टू कॉमन ले लिए, ठीक है। इधर देखो कुछ प्रॉब्लम, तो रूट माइनस का रूट टू कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा एक्स बचा, अब प्लस, अब सिक्स में से रूट टू तुम निकाल चुके हो, क्या बचा थ्री रूट टू। अभी आप देख सकते हो कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, एक कॉमन ले लो। लेट्स टेक आउट थ्री प्लस एक्स प्लस थ्री रूट टू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों एक्स माइनस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब चाहे फर्स्ट फैक्टर जीरो के इक्वल हो जाए या सेकेंड, तो व्हेन फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो देन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री रूट टू, दिस इज योर अल्फा, पहला जीरो मिल चुका है, फिर जब ये जीरो के इक्वल होगा x माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, देन आपको x की वैल्यू रूट टू मिलेगी, दिस इज योर बीटा। अभी वेरिफिकेशन, फर्स्ट वेरिफिकेशन की अल्फा प्लस बीटा माइनस भी भाई है, अल्फा क्या है माइनस रूट टू प्लस बीटा रूट टू, तो माइनस बी बाई ए, व्हाट्स योर बी टू रूट टू बाई ए इज वन, तो माइनस थ्री रूट टू प्लस रूट टू इज माइनस रूट टू ओनली, तो माइनस टू रूट टू इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू, हेंस वेरीफाई। सेकेंड रिलेशनशिप अल्फा इन टू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, योर अल्फा इज माइनस थ्री रूट टू एंड योर बीटा इज रूट टू सी बाई ए, रूट टू इंटू रूट टू टू, टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, हेंस वेरीफाई। तो ऐसे आपको पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है जब पॉलिनोमियल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, रूट में हो, कई बार ए बी सी में हो सकती है। तो सिंपल क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी में मिल ही गए थे, अपन जो कर लिए थे, तो ये है कुछ एडवांस क्वेश्चंस इसके।
बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये CBSE में कई बार आ चुका है, स्पेशली किसमें आया है? स्टैंडर्ड मैथ्स। यस, तो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन करना। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल या फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, क्योंकि जो आपका ए होता है ना उसकी जगह क्या लिखा है, ए बी लिखा है। जो आपका बी होता है उसकी जगह ये पूरा टर्म है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए सी। जो आपका सी होता है वो है माइनस बी सी। अब मैं ये भी बता दूँ ना कि ये क्वेश्चन पहले से भी ज़्यादा ईजी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है कि स्प्लिटिंग कैसे करनी है, क्योंकि देखो बीच वाला टर्म ऑलरेडी स्प्लिट है। सिर्फ क्या करना है, एक्स को अंदर भेजना है, सिर्फ आपको यही करना है। टू गेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कोस टू जीरो, यानी कि ये जीरो के इक्वल, यानी कि पॉलिनोमियल को इक्वेशन फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी कोस टू जीरो। फिर हम लोग नहीं फोर टर्म्स में ब्रेक करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है, लेकिन इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स अंदर भेजोगे जब, हाँ ऑलरेडी दो टर्म में दिया हुआ है वो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। देखिए बच्चों कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, चार टर्म्स मिल गए। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, बी एक्स। यस, बी एक्स इज कॉमन, ए एक्स प्लस बी। दो भी थे, एक भी निकाल लिया, एक भी बस गया। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ओवरऑल। ये कॉमन है ए एक्स प्लस बी को टेकिंग आउट, यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। अब या तो फर्स्ट फैक्टर जीरो के इक्वल होगा या फिर सेकेंड जीरो के इक्वल होगा। अगर फर्स्ट जीरो के इक्वल होगा तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू माइनस बी मिलती है, यानी एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए मिलती है, यानी कि आपका अल्फा आपको मिल चुका है माइनस बी बाई ए। फिर बी एक्स इक्वल्स टू सी, यानी कि एक्स इक्वल्स टू सी बाई बी, यानी कि तुम्हारा बीटा मिल चुका है सी बाई बी। तो यहाँ से आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि जीरोस मिल चुके हैं। नाउ वेरिफिकेशन, अब हम इसे कर देते हैं वेरीफाई। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए। केयरफुली रख दीजिए वैल्यू, योर अल्फा इज माइनस बी बाई ए एंड योर बीटा इज सी बाई बी इक्वल्स टू माइनस। अब इस क्वेश्चन का बी क्या था, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए बी। अब यहाँ पे केयरफुली एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ए बी, बी का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई यहाँ इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर गया तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी बाई ए बी। देख सकते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस मिल चुका है, हेंस वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। चलिए बात करते हैं सेकेंड रिलेशनशिप की, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। योर अल्फा इज माइनस बी बाई ए, योर बीटा इज सी बाई बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बी से बी कैंसिल, यहाँ पे बी से बी कैंसिल, माइनस सी बाई ए इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, हैंस वेरीफाइड। तो देख सकते हैं इट वॉज नॉट दैट इजी जितना अपन सोचे थे, उतना डिफिकल्ट नहीं था, उससे इजी ही था, क्योंकि चार स्प्लिट रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, वो सिर्फ अपन का मन का डर है यार ए बी सी आ गया तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एक बार फिर से आएंगे। अभी कौन से चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अभी पढ़ रहा है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार फिर से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बच्चों इंस्ट्रक्शन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट इन द जीरोस रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि आपको वो पॉलीनोमियल निकालना है जिसके जीरोस का सम 1/4 है और जीरोस का प्रोडक्ट -1। वो पॉलीनोमियल बताइए जिसके जीरोस का सम -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है। ठीक, ये क्वेश्चन है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द पॉलीनोमियल हूज जीरोस आर 7 and 8। यानी कि अगर बच्चों किसी भी पॉलीनोमियल के जीरोस दिए हैं तो हम पॉलीनोमियल कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, बताइए क्या है फॉर्मूला।
पी एक्स इक्वल्स टू इस फॉर्मूले से हम वो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं जिसका अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हमें तो पूरा फॉर्मूला लिख लेना है। फिर देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है यहाँ रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा दिया यहाँ रख लेंगे, तो पूरा पॉलिनोमियल तो मिल ही जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इस के को हटाएंगे। के का क्या रोल है मैं आपको बताऊंगी। लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट्स अल्फा प्लस बीटा 1/4, व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा -1। ठीक, तो आराम से। तो बच्चों ये आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में एक 1/4 है, उसे हटाना है और इसीलिए इस के का यूज़ किया जाता है। व्हाट्स यूज़ ऑफ दिस के, रिमूविंग टर्म्स फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो अभी आपको क्या करना है, के अभी एज इट इज़ रहने दीजिए और यहाँ ले लेना एलसीएम। व्हाट इज़ एलसीएम, 4। तो जिसके जिसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 4 मल्टीप्लाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी हो जाएगा -4। ठीक, अब आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो के की वैल्यू 4 ले लो ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। अगर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो के की वैल्यू 3 ले लेंगे ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। तो दैट्स वाई के वी आर यूजिंग। अब एक सवाल मन में उठता है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया होता तो तब के वैल्यू की वैल्यू 1 लेके उसको हटा देना है। सो लेट्स पुट के इक्वल्स टू 4। तो बच्चों पी एक्स क्या मिल जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो फाइनल आंसर है 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम 1/4 है और प्रोडक्ट -1। समझ आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाद में लिखना, पहले इसको और देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4। व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। पहले आप लिखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार गर्ल्स बताए फॉर्मूला, प्लस अल्फा बीटा। क्या रे, गलत बता दी। इसीलिए बार बार बुलवा रहे ताकि याद हो जाए। ठीक, चलिए लेट्स पुट द वैल्यू के, प्लीज अब यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस सब कुछ वैसे ही रहने के, बस अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू रखेंगे। व्हाट्स अल्फा प्लस बीटा इज, तो देखो एक माइनस पहले से है और अल्फा प्लस बीटा आप -1/4 रख रहे हो, एक्स प्लस अल्फा प्लस इंटू बीटा 1/4। तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। चलिए फिर वही काम करना है, यहाँ पे भी एलसीएम 4, के बाहर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब के क्या होगा, 4, ताकि इस 4 को हटाना है। लेट्स पुट के इक्वल्स टू 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल, एंड व्हाट्स द फाइनल आंसर, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। किसी कोई डाउट? अब कई बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में ना इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सम इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको दिया है, इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, फिर सेकेंड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर थर्ड में ये निकालना है। ठीक, तो अब एक तरीका तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ये हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल चूँकि हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो अगर हम इसके जीरोज निकाल पाते हैं, अगर हम अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं तो सीधे अल्फ़ा बीटा यहाँ रख दें तो मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा पॉलिनोमियल दिया होता है कि जिसे तुम नहीं फैक्टराइज कर पाओगे, जैसे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स अपन नहीं सोच पा रहे हैं, देर आर नो रियल फैक्टर्स। क्यों, कैसे फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें फोर्थ चैप्टर में पता चलेगा और हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया था आप लोगों को कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई जीरोस रियल ना हो, जब नहीं इंटरसेक्ट नहीं करता एक्सिस को, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो फिलहाल इस पॉलिनोमियल के जीरोस आप जितना भी ट्राई करो आप नहीं निकाल पाओगे,
यानी अल्फा बीटा ही हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तब हम कैसे निकालेंगे ये सब वैल्यूज। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद क्या स्ट्रेटजी रहती है, अब हमें ये सीखना है, ठीक है? Yes. तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? व्हाट इज ए? 1 बी सी, ठीक है? हम भले ही अल्फा बीटा नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा हमसे निकालते आ जाएगा क्योंकि हमें रिलेशनशिप पता है। माइनस व्हाट इज बी? माइनस 1 एंड ए 1, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा 1 है, ये हमें पता चल गया है। नाउ इज सिमिलरली वी कैन फाइंड अल्फा इनटू बीटा, जो कि क्या होता है सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? अपॉन 1 यानी कि माइनस 4, ठीक है? अब बच्चों आपको इन्होंने पहली चीज़ जो बोली थी निकालने के लिए, जो फर्स्ट टर्म भी हमें फाइंड करना है वो है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ और अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है? तो अभी देखिए इसकी वैल्यू किसके फॉर्म में आ गई, ऊपर है अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास है और नीचे है अल्फा इंटू बीटा जो भी हमारे पास है। तो वी कैन पुट द वैल्यूज, तो कितना आ जाएगा? माइनस 4 नहीं, अल्फा प्लस बीटा 1 है ना, 1 बाई माइनस 4। तो पहला आंसर क्या आ गया? 1 बाई माइनस 4, यानी कि जब भी डिनोमिनेटर में माइनस हो ना तो ऊपर कर लेना, क्योंकि नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे एक ही बात होती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। बच्चों अब हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है, जो हमें सेकेंड ली निकालना है इसमें, दैट इज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला हमें ए प्लस बी होली स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होली स्क्वायर से मिल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होली स्क्वायर क्या होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अगर यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू आएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होली स्क्वायर माइनस, ठीक रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होली स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। रख दीजिए वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अपन के पास इस क्वेश्चन में है, निकाले थे ना अभी। yes, क्या आया था? 1 आया था, माइनस बी बाई ए से, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा इज 1। अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 4, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, तो 8 प्लस 1 9। तो सेकेंड आंसर क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 9, ठीक है? और फटाफट से थर्ड बता देते फिर लिख लेना। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? ये तो और अजीब टाइप का है, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा निकालना है। अगर अपन के पास अल्फ़ा बीटा होते तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीधे रख देते इधर पे, लेकिन अल्फ़ा बीटा ही नहीं है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं अपन? अगर हम अल्फ़ा और बीटा एलसीएम ले लें, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई यहाँ, बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ, तो आ जाएगा अल्फा, ठीक है? एंड अभी हम तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल चुके हैं, 9 अपॉन व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? माइनस 4। तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर, क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं स्पेशली इन स्टैंडर्ड मैथ्स बेसिक में, ऐसा वाला आ सकता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में? अल्फा एंड बीटा इस पॉलीनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के क्या है? जीरोस, ठीक है? लेकिन इस पॉलीनोमियल में ना जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है वो मालूम नहीं है, ना अननोन है, ठीक? लेकिन इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है कि जो इसके जीरोस हैं वो उनका स्क्वायर का सम 24 है। तो आप बताइए कि अल्फा और बीटा, सॉरी आप बताइए कि के क्या होगा, ठीक है? सॉल्यूशन चालू करते हैं। गिवन पॉलीनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज द गिवन पॉलीनोमियल। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब मुझे आप बताइए ए क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है? ठीक, नाउ हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस 4 बाई के, माइनस बी बाई ए यानी कि 4 बाई के, माइनस 4 बाई के,
ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बता दीजिए, सी बाई ए, तो व्हाट इज सी हियर, फोर बाई ए, ठीक है, ये भी समझ आ गया। अच्छा, अब जो रिलेशनशिप दिया है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कहाँ मिलते हैं, किस फॉर्मूले में? बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा, ये आपको याद रखना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो 24 दिया है, यहाँ पे 24 रख दिए, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 बाई के, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4 बाई के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसे करना है सिंप्लीफाई और फिर k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। अब हमने क्या किया, माइनस 4 स्क्वायर 16 बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इक्वल्स टू 24 ऐसा मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पे हम के स्क्वायर और के में एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, के स्क्वायर, बड़ा वाला आता है हमेशा, के स्क्वायर आएगा, इसमें 16 और इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, के का, मतलब जो एलसीएम आया है ना उसमें इसका डिवाइड करते हैं, तो के स्क्वायर में के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो 16 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, एलसीएम में इसका डिवाइड की तो एक के आया, तो वो के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 16 माइनस 8k इक्वल्स टू, ये कहाँ जाएगा, इसके पास, तो 24k स्क्वायर, तो 24 अब सारे टर्म को उधर ले जाएंगे, 24k स्क्वायर माइनस इधर जाएगा तो प्लस 8k माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, क्या किसी से डिवाइड हो रहा है, ये सब जगह 4 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4, तो 6k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अब आप फैक्टर बना पाओगे इसके और k की वैल्यू निकाल पाओगे, क्या होंगे फैक्टर, 64, तो 6k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो नंबर जिनका सम प्लस 2 आ रहा हो और प्रोडक्ट 6 इंटू 4 यानी कि माइनस 24 आ रहा हो, ऐसे नंबर होते हैं प्लस 6 और माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों से पेयर कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो चाहे 6 कॉमन लेंगे, 6 के कॉमन ले लो, क्या आएगा, के प्लस, फिर इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, माइनस 4, तो क्या आएगा, इक्वल्स टू 0, तो कुल मिला के के प्लस 1 इज द फर्स्ट फैक्टर एंड 6 के माइनस 4 इज द सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू माइनस 1 एंड 2 बाई 3 आएगी, 4 बाई 6 यानी 4 बाई 6 यानी कि 2 बाई 3, तो k की वैल्यू आ रही है माइनस 1 एंड 2 बाई 3।